इंदौर के गौतमपुरा के समीप हुई लॉकडाउन काल की सबसे बड़ी लूट। पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूटे 2,90,000। मालूम रहने के लिए गौतमपुरा से अंकित जैन की खबर। गिरौता ग्राम के जय अंबे पेट्रोल पंप के मैनेजर भगवती प्रसाद रोज की तरह गुरुवार दोपहर को पंप से 2,90,000 की राशि लेकर चंद्रावतीगंज की यूको बैंक में जमा कराने के लिए निकले। जब वे रास्ते में थे तो पारदाखेड़ा और अजनारा के बीच में बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनसे रास्ता पूछा और उनकी गाड़ी रुकवाई। इसी दौरान पीछे बैठे बदमाश ने भगवती की आंख में मिर्ची झोंक दी और रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। भगवती अपनी आंखें साफ करते उससे पहले ही लुटेरे उनकी आंखों से ओझल हो चुके थे। भगवती ने घटना की जानकारी उज्जैन के भैरुगढ़ थाने को दी, जिस पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। रात तक CSP अश्विनी नेगी और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे घटनाक्रम को जाना। घटना से क्षेत्र भर में सनसनी फैल गई, क्योंकि लॉकडाउन में दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट पहली बार हुई है। वहीं घटना के बाद ही आसपास के थानों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। उज्जैन CSP अश्विनी नेगी ने बताया, ये डायल 100 के माध्यम से आज खबर मिली थी जी, कि ये नागर जी हैं जिनका इंदौर जिले में पेट्रोल पंप है, इनके रिलेटिव का, और ये एज मैनेजर वहाँ काम करते हैं जी। ये आज अपना कुछ कैश लेके और चंद्रावतीगंज बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे थे। तो इनके अनुसार पीछे से दो लोग आए, उन्होंने इनसे किसी जगह का रास्ता पूछा जी। ये रुक के बताने लगे, इतने में इनके चेहरे पर मिर्ची फेंकी और इनकी गाड़ी में जो बैग टंगा था वो छीन के ले गए, जिसमें नगद रकम थी। ठीक सर, आपका शुभ नाम? मैं CSP जिवाजीगंज, नेगी नाम है मेरा। ठीक, थैंक यू सर। पेमेंट लेके बैंक जा रहा था, यहाँ पे पीछे से दो बाइक वाले आए और पहले तो बराबरी पे आके पूछा, बोले रास्ता कहाँ जाता है। मैंने कहा गांव में जाता है, चुनाव के निकल जाते हैं। इतना पूछा और पीछे बैठा वाले व्यक्ति ने एकदम मुँह पे मिर्ची फेंक दी। रोज इस रास्ते से जाते हो? नहीं, कभी इससे जाता, कभी दूसरा रास्ता छोड़ता पड़ लिया होकर जाता हूँ, कभी जलोदिया से एक और रास्ता उधर से जाता हूँ। खाता कहाँ पे? चंद्रावतीगंज को। तो ये पेमेंट पंप का ही था? ये निजी पूरा पंप का था। क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद नागर। आप पंप क्या हो? क्षेत्र में चेकिंग व जगह जगह तलाशी की जा रही है, साथ ही भगवती से भी प्रयास जारी हैं जिससे उनकी निशानदेही पर बदमाशों को पकड़ा जा सके। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।